आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड, बोला गया डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड, फाइंड करने के लिए द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है वॉल्यूम जो स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सको, ठीक है, किसका यूज करके, वर्नियर कैलिपर का यूज करके, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये हमने जो डायग्राम दिया यहाँ पे, ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो है किस टाइप का, इसकी शेप क्या आपकी स्फीयर है, इस ऑब्जेक्ट की शेप क्या आपकी स्फीयर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये किसकी शेप में, स्फीयर की शेप में है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको ये पूछा गया कि जो स्फीयर जो है, अब ये जो स्फीयर शेप का ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास, आपको बोला गया कि इसका जो है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप जो, आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट जो है डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आपके पास क्या था, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो दैट मींस देखिए, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 4/3 तो एक्चुअली कॉन्स्टेंट हो गया, एंड पाई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होगी, आपके पास पाई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3.14, ठीक है। एंड यहाँ पे आर, अगर आपको आर मिल जाए तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप जो है स्फीयर जो उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर लोगे, ठीक है। सो ये आर जो है आपको किससे फाइंड करना है, आर आपको फाइंड करना है यूजिंग द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। सो यहाँ से देखिए, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लिया किस प्रकार लिया आपका, जो इस प्रकार का स्फीयर है, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास जो ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो हमने लिया, ठीक है, इसका डायमीटर क्या आएगा यहाँ से आपके पास, ठीक है। सो देखिए, मैं लिखता हूँ डायमीटर, ठीक है, सो डायमीटर क्या आ जाएगा यहाँ से इसके आपके पास इसका, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास इसका डायमीटर आ जाएगा, देखिए, मेन स्केल रीडिंग, ये आपका जो मेन स्केल रहा, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन, ठीक है, जो आपके वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन होंगे, ये आपका वर्नियर कैलिपर रहा, ठीक है, वर्नियर स्केल रहा, ठीक है, ये पूरा आपका वर्नियर कैलिपर है, ये मेन स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है, जो कि मूवेबल, ठीक है। सो वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन, की वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन कितने हैं वो, ठीक है, इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है, इंटू क्या जाएंगे आपके पास, लिस्ट काउंट, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास डायमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो स्फीयर होगा इसका डायमीटर क्या आएगा आपके पास, इसका डायमीटर आपके पास हो जाएगा कि आपका जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि एम एस आर, ठीक है, दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग प्लस प्लस वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन, वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन, ठीक है, इंटू लिस्ट काउंट, इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो देखिए, लिस्ट काउंट की वैल्यू तो हमें यहाँ पता है, लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, जो वन ईयर के लिए होता है उसके लिए लिस्ट काउंट कितना होता है आपके पास, वो होता आपके पास 0.1 mm, ठीक है, लिस्ट काउंट कितना होगा आपके पास वन ईयर के लिए, आपके पास जो लिस्ट काउंट होगा वो आपके पास हो जाएगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0.1 mm, ठीक है, वन ईयर के लिए लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपके पास 0.1 mm, ठीक है। सो ठीक है, या तो आप बोल सकते हो 0.1 mm, या फिर आप बोल सकते हो इसको जो आप अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हो तो आपके पास हो जाएगा 0.01 cm, 0.01 cm, वाई, बिकॉज देखिए 1 cm इज इक्वल टू आपके पास होता है, 1 cm इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है, 1 cm इज इक्वल टू आपके पास होता है, ठीक है, 10 mm, 10 mm, ठीक है, 1 cm इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 10 mm, सो 1 mm कितना आपके पास, 1/10 mm, ठीक है, 1/10 mm, तो यहाँ से आप जो है 10 से डिवाइड करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, फिर 0.01 cm, ठीक है। सो लिस्ट काउंट की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या देखें, यहाँ से आपको जो है सिर्फ जो है मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, एंड आपको जो है वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन, ठीक है, ये दो चीज़ें जो है यहाँ से आपको जो है देखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर ये दो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहाँ से जो है डायमीटर जो है स्फीयर जो है ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसका डायमीटर फाइंड कर लोगे, एंड डायमीटर हम जानते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस का जो है दो गुना होता है, ठीक है। सो वहाँ से हम रेडियस फाइंड करने, एंड आर की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, ठीक है। सो
अब देखिए मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, अब ये हमने जो डायमीटर लिया, ठीक है, ये आपका जो डायग्राम वो रफ डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये नहीं बता सकते कि मेन स्केल रीडिंग क्या आएगी, ठीक है, वो तो आप जो है जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कितना बड़ा ले रहे हो, ठीक है, जो आपका जो स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा ले रहे हो या फिर कितना छोटा ले रहे हो, ठीक है, उस टाइम क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है, वो सब जो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ से हम मान लेते हैं कि आपके पास जो मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, हमने मान लिया कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपके पास आ गई यहाँ से 35 mm, ठीक है, हमने मान लिया कि मेन स्केल रीडिंग आपके पास आ गई 35 mm, ठीक है, 35 mm, ठीक है, हमने मान लिया कि मेन स्केल रीडिंग आपके पास आ गई 35 mm, ठीक है, और हमने मान लिया कि जो वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन जो है, वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन 35 mm जब मेन स्केल रीडिंग थी तब आपके पास वर्नियर कॉन्साइडिंग डिवीजन हमने मान लिया कि आपके पास है 5, ठीक है, हमने मान लिया 5, ठीक है। सो यहाँ से अगर आपके पास देखिए लिस्ट काउंट आपके पास ये दिया गया, ठीक है, एंड यहाँ से आपके पास जो है आपको और क्या क्या चाहिए, ठीक है, आपको मेन स्केल रीडिंग चाहिए थी वो हमने 35 mm मान ली, आपको वर्नियर कौन सा रीडिंग चाहिए था वो हमने 5 मान लिया, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपके पास निकल जाएगा डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, सो डायमीटर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से, डायमीटर यहाँ से आपके पास हो जाएगा, देखिए 35 mm तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग आ गई प्लस वर्नियर कौन साइडिंग डिवीजन आ गया आपके पास 5 इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट आपके पास कितना है 0.1 mm, ठीक है, ये सारे केस में mm में, ठीक है, 35 mm में, 0.1 mm में, ठीक है। सो यहाँ से डायमीटर कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सो डायमीटर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखिए 35 तो ऐसा कैसा आ गया, ठीक है, प्लस इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 5/10, ठीक है, दैट मीन्स कितना बन गया आपके पास, आपके पास बन गया इसे, ये आपके पास हो गया 1/2, ठीक है, दैट मीन्स 1/2 दैट मीन्स, और जब आप इसमें 1/2 जोड़ोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा, तो यहाँ से ये तो आपके पास आ गया 35 प्लस ये कितना आ गया आपके पास, देखिए ये आपके पास हो जाएगा 1/2, ठीक है, दैट मीन्स 0.5, ठीक है। सो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 35.5 mm, ठीक है। सो देखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर आपके पास कितना आ गया, ठीक है, डायमीटर ऑफ स्फीयर यहाँ से आपके पास आ गया, जो डाटा हमने लिया उस डाटा से आपके पास डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना आ गया, डायमीटर ऑफ स्फीयर आपके पास आ गया 35.5 mm, ठीक है। सो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो डायमीटर, इससे डायमीटर हम जानते हैं, डायमीटर क्या होगा आपका, डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ स्फीयर वो कितना होगा, वो आपका जो इक्वल टू हो जाएगा इसके 2 रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो यहाँ से हम डायमीटर की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, डायमीटर ऑफ स्फीयर आपके पास आया था यहाँ से 35.5 इज इक्वल टू, यह किसके इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2r, ठीक है, दैट मीन्स रेडियस के 2 गुने के, ठीक है, किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेडियस के 2 गुने के, ठीक है। सो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से r इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 35.5 जो r के मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। सो ये r इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 17.75, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है। सो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना माना था, ठीक है, मान लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास यहाँ से v मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू आपके पास होगा 4/3 × πr³ की होल क्यूब, ठीक है। सो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 5/3 × r³, ठीक है, 4/3, ठीक है, 5/3 नहीं, कितना दिया गया था आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है आपके पास 4/3 × π, पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3.14 × r³, r की होल क्यूब दैट मीन्स 17.75, ठीक है, 17.75 का होल क्यूब, ठीक है। सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 23,413.34 mm की होल क्यूब, ठीक है, मिलीमीटर की होल क्यूब, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप जो है, इसको जो है सेंटीमीटर के अंदर भी जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड 1 cm इज इक्वल टू आपके पास होता है 1 cm इज इक्वल टू आपके पास होगा 10 mm, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो 1 mm इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1/10 cm, 1/10 cm, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4/1/3.34 mm के होल क्यूब के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप जो है ये लिख सकते हो, ठीक है। सो आप लिख सकते हो इसको 1/10 का होल क्यूब, ठीक है। सो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ से
वॉल्यूम जो है वो कितना आ जाएगा, देखिए 10 के होल क्यूब करोगे तो आपके, ठीक है, सेंटीमीटर का होल क्यूब, ध्यान रखना इसके अंदर सेंटीमीटर भी है, ठीक है, वन बाई सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 10 के होल क्यूब करोगे तो आपके पास हो जाएगा 1000, ठीक है। और जब 1000 आप इसे डिवाइड करोगे तो दैट मीन्स 0.3 डिजिट आगे से तो 1 2 3, ठीक है। सो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 23.41334 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 23.41334 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। तो यह था एक एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा हमने जो देखा कि जो वर्नियर क्लिपर जो होता है उसके यूज करके हम जो है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।